हिंदुस्तान विकास दल अपने पार्टी से तीन उम्मीदवारों के नाम का घोषणा किया, जिसमें आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर एसपी शर्मा और बक्सर और पाटलिपुत्र से भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संवाददाता सम्मेलन में किया। डॉक्टर एसपी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई विफल योजना रहा है और साथ में उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर एसपी शर्मा ने यह भी कहा कि हमारी दल बहुत कुछ कार्य किया है। आइए सुनते हैं कि संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर एसपी शर्मा ने क्या कहा। बक्सर के मूल निवासी दो पत्रकार भी हम सुधांशु मिश्रा हिंदुस्तान ने तीन सदस्यों का नाम का चयन किया है, जिसमें आरा संसदीय लोक क्षेत्र से मैं लड़ूंगा डॉक्टर संजीव प्रसाद शर्मा, और बक्सर से हमारे ताफिर हुसैन जी लड़ेंगे। और क्या नाम है? ताफिर हुसैन। और बक्सर से ओम प्रकाश टुंडू जी लड़ेंगे। पाटलिपुत्र पट्टा पाटलिपुत्र। क्या नाम? ओम प्रकाश टुंडू। ओम प्रकाश टुंडू। जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे देश में विकास कहा जा रहा है लेकिन विकास किया नहीं जा रहा है। और विकास का एक सिंबल होता है आप कितना एम्प्लॉयमेंट सॉल्व किए हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है, जिससे कि हम नौकरी नौजवानों को दे सकें, जो कि नगण है। बीजेपी की सरकार केवल जुमलाबाजी की सरकार, जो लोग कहा है कहते हैं वो सही कहते हैं बिल्कुल। इनके यहाँ अभी तक किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, मात्र जनता की पैसा टैक्स के माध्यम से कैसे निकाल लिया जाए। हर एक फील्ड में इन्होंने कानून ही कानून बनाया है, जिसके चलते जनता का पॉकेट खाली हो जाए। मार्केट में बिल्कुल मंदी है, हर एक जो है व्यवसायी वर्ग जो है से कि त्रस्त है। इन्होंने नोटबंदी किया, इन्होंने जीएसटी लगाया और सारा जो है से कि पैसे को जो ये लेने का स्रोत बनाया। दूसरी बात है, हमारा जो आर्थिक विकास है बिल्कुल जीरो है, और कोई भी विकास अर्थ का उसका डॉलर से देखा जाता है कि हमारा पैसे का मूल्य जो है विदेश में, और विदेश में हमारा डॉलर रुपये का क्या हमारा वजूद बन रहा है, जो कि हम दिन पर दिन लूज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सुरक्षा के मामले में आई, सुरक्षा आपके देश में तभी मिल सकता है जब 370 और 35 ए धारा हटाई जाएगी, क्योंकि मेन उग्रवादियों का आतंकवादियों का इंटरेस्ट कश्मीर है। और मेरा दल कहता है कि राज्यों का संतुलित विकास हो, इक्वल स्टेटस ऑफ द स्टेट होना चाहिए, जिससे सभी को राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र शासित कोई राज्य न रहे। और हम जो है 79 वगैरह जो हिमाचल मेघालय मिजोरम ये सब जो दर्जा में दिया गया है, वहाँ इनर लैंड पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता है, उन सब चीजों को जो है से कि हमें हटाना होगा, तब हमारा राष्ट्र सफल होगा। मोदी जी केवल इतना ही किए हैं कि हम पैसा केवल जनता को वो ले रहे हैं, सुरक्षा भी इनका लूज हो रहा है, प्रतिदिन हमारे कश्मीर में नौजवान मारे जा रहे हैं। ये केवल इलेक्शन का जो है एक मोटिवेशन का जो है इन्होंने प्रोग्राम रखा है, ताकि हिंदुइज्म के नाम पर हम वोट ले सके, पोलराइजेशन करा सके। इसके सिवा 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, हिंदुस्तान को डुबाया है। ये आज इनका 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सुविधाजनक इनका जो है दिल्ली में इनका ऑफिस बना है, अरबों खरबों के लागत से। क्या ये जनता की पैसा है या कहीं बाहर से जो है से डोनेशन का पैसा है? क्या मोदी जी इसको बता सकते हैं? ये आम जनता को लूट करके आप जो है कि नहीं वहां सारा हाईटेक जो है कि नहीं चुनाव कार्यालय बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस से भी कई गुजरी सरकार है, ये सारे लोग जो है से कि लूटपाट की राजनीति कर रहे हैं, और इसके आधार पर जो है कि नहीं आप योग्य व्यक्तियों को शासन से प्रशासन से सबसे छांट रहे हैं। जनता के सहयोग से लेकर के हमने जो है उसको पास कराया। दूसरी बात यह है, रिसीव कर लीजिए।
दूसरी बात यह है कि यहाँ के रोड रास्ते के लिए हमने डीएम से लड़ाई लड़ी, हम मैंने हमारे वकील साहब हम लोग एक दिन शहीद भवन में रात में 8 बजे आ रहे थे, डूब गया हमारा स्कूटर जो है, एक दिन तो जाकर डीएम से मनोज कुमार जी से लड़ करके अब पूरा जो है ऊंच करा करके हम लोग पेट्रोल पंप का रास्ता बनवाए। इस तरह से यहाँ की समस्या प्लस जो है जो आज जो कहते हैं हमारे माननीय सांसद जी कि मैंने जो है रेलवे का विकास किया है, मैं कहता हूँ इनके द्वारा एक आर्टिकल भी नहीं जोड़ा गया है। ये जिस समय 12-13 में लालू जी रेल मंत्री थे उस समय कांति सिंह यहाँ के रिप्रेजेंट करती थी, हम लोगों ने मानव विकास कल्याण समिति के माध्यम से एक कार्यक्रम कराया था जो कि इसमें आज समाज मंदिर में, और हम लोगों ने पटना जाकर के कांति सिंह से मिले, दिल्ली जाकर के मिले, और सारा कार्यक्रम कराने के बाद रिजोल्यूशन 10 पॉइंट्स का पास हुआ कि साहब यहाँ पर जानते हैं 35 वर्ष पहले आया था कि यहाँ पर जो टर्मिनल खुलेगा जो पटना का जो राजेंद्र नगर बना वो आरा के लिए आया था, वो सब हम कोट करके दिया 11 में टर्मिनल होगा। उसके बाद जितने 500-600 किलोमीटर की गाड़ियां हैं वो जो दानापुर से और पटना से खुलते हैं सबको आरा से खोला जाए, यहाँ ओवर आर पार के लिए दक्षिण उत्तर ओवर ब्रिज बनाया जाए और सारे गाड़ियों का ठहराव दिया जाए, 4 लेन बनाया जाए, 4 ट्रैक बनाया जाए, इस तरह से सारी 10 पॉइंट्स सीनियर सिटीजन को 50% दिया जाए। इसमें से हम लोग का 8 पॉइंट मान लिया गया जो DRM का लेटर मेरे पास में आया कि आपके 8 पॉइंट पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। पटना गोवा ट्रेन भी हमने मांगा, वो पटना गोवा उसी समय चालू हुआ, आरा में ठहरा भी। तो जहां तक सवाल है भोजपुर के विकास का तो हम तो पहले इसका हम पास करा चुके हैं, ये आप झंडी दिखाते हो, हम झंडी नहीं दिखाए, हमने करके जमीन पर दिखा दिया। दूसरी सेक्टर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि बहुत काम किए, ये जो आपका जो सोन का ब्रिज है ये संजय टाइगर के द्वारा जिस समय नंदकिशोर यादव जी जैसे कि यहाँ पर पथ परिवहन मंत्री थे उस समय अनुशंसा हुई थी उसको बनाने का, सोन पर जो है पुल का बनाने का। तीसरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जितने विधायक फंड आते हैं, जितने भी मंत्री फंड आते हैं, बाकी लोगों ने भी तो विकास किया, उनकी भी तो विकास इनके द्वारा विकास में जोड़ने का क्या तकलीफ होता है। सब चीज पर ही बिजली मंत्री है नितिन गडकरी जी का जो है कि 4 लेन का रेलवे का जो है पथ निर्माण का विकास है तो वो तो बेचारे करा रहे हैं, क्या भाई मैं नहीं कराया। तो यहाँ की भोली भाली जनता को इस तरह से आप जो गुमराह कर रहे हैं मैं इससे बहुत दुखी हूँ। आपका यहाँ का जर्जर तार नहीं शहर का बदला गया अभी तक ले, जो बहुत से अभी तक पुराने लाइन बने हुए 200 KVA का हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर लगवाया था किसी समय जाकर चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पटना जो है सेकंड चीफ इंजीनियर से लड़ करके, वो भी अभी तक बहुत सकती जब यहाँ आवश्यक है। यहाँ लोड शेडिंग देखिए कितना बढ़ गया है, अभी हर एक घंटे 2 घंटे पर हमारी लाइन जा रही है। तो ये भोजपुर का विकास नहीं हुआ है, ये भाजपा का विकास हुआ है, ये प्रचारित विकास है, इनका जमीनी विकास कुछ नहीं है। अगर वोट नीति पर आइएगा तो हम भाई वो जो वैज्ञानिक चीज जो हमारी रिसर्च चल रही है वो तो हमारी चल रही है, वो तो हमारे देश का देन है, कोई बैठेगा करेगा। लेकिन आज आपके यहाँ प्लेन आता है चला जाता है उसको आप पकड़ लेते हैं रख लेते तब न समझते कि आप लड़ाई में काबिल है। तो ये सब बातें जो है बनाई हुई बातें हैं।